वेलकम टू बैचलर्स कुकिंग। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे गोभी कोरमा। जी हाँ, गोभी की एक ग्रेवी वाली डिश है। वैसे जनरली गोभी सूखी बनाते हैं लोग, लेकिन ये गोभी कोरमा जो है ये ग्रेवी वाली डिश होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कोरमा के लिए मसाला तैयार करना है। तो चलिए मसाला तैयार करना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम मिक्सी का पॉट ले लें, इसमें डालें आप एक चम्मच के करीब ज़ीरा और एक चम्मच ही डालें इसमें धनिया पाउडर, कोरिएंडर सीड पाउडर। अगर ये नहीं हो तो आप साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। इसके बाद डालें कश्मीरी मिर्च एक चम्मच, हल्दी डालें आधा चम्मच। इसके बाद जो हमने गरम मसाला बनाया था वो गरम मसाला डालें इसमें एक चम्मच, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा ये। अब इसमें डालेंगे तकरीबन 10 कलियां लहसुन की, 10 कलियां लहसुन की इसके अंदर। इसके अलावा करीब 1 इंच अदरक का, और इसके साथ डाल दें इसमें एक छोटी सी हरी मिर्च और एक प्याज। और इसके बाद इसको पीस लेंगे, तो इसको पीस लेते हैं। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। चलिए अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस कर लें चालू, इसके बाद इसमें डालें 1.5 चम्मच तेल, तेल को फैला लें। जैसे तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें डालें एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करना है हमें। तकरीबन 1 मिनट पकाएं ताकि प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, और बाद में इसमें मसाला ऐड करें। तो हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें ये मसाला जो हमने तैयार किया है वो ऐड करते हैं। और इसको अच्छी तरह से चलाना, इसको काफी अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि तेल पूरी तरह से छूट ना जाए, तब तक इसको पकाना है। क्योंकि इसमें प्याज भी डाली थी हमने मसाला पीसते समय, तो प्याज का कच्चापन निकल जाना चाहिए। तो इसको आराम से 102 मिनट तेज धीमी करके आंच पर पकाएं, और अगर नीचे लगने लगे तो थोड़ा सा पानी डालते जाएं बीच बीच में। मसाला भूनते समय जब मसाला तकरीबन आधा भुन जाए तब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, इससे बहुत जल्दी पकता है और बहुत अच्छा पकता है मसाला। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसको चला देते हैं। अब इसको आधा मिनट और पकाएं जब तक ये पानी सूख जाए। पानी डालने से ये मसाला जो है इवनली कुक हो जाता है, अदरवाइज क्या होता है नीचे नीचे का पक जाता है, ऊपर ऊपर का कभी कभी कच्चा रह जाता है। इससे ये पूरा इवनली कुक हो जाता है। अब हमारा मसाला कुक हो चुका है, अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे बेबी पटेटो। तकरीबन 10 बेबी पटेटो इसके अंदर। जी हाँ, कोरमा में इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको चला, कभी भी आप अगर गोभी के साथ आलू बना रहे हैं तो आलू पहले डालें टमाटर के पहले। टमाटर जो होता है कुकिंग प्रोसेस को रोक देता है और आलू को पकने में काफ़ी टाइम लगता है। तो पहले अगर आप आलू डाल देंगे तो ये आलू जल्दी कुक होंगे, और बाद में टमाटर और गोभी डालें क्योंकि गोभी जल्दी पकती है। अब इसको 1 से 2 मिनट तक पकने दें ताकि ये मसाला पूरा आलू के अंदर समा जाए। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे आलू भी क्वार्टर डन हो चुके हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे 2 कटे हुए टमाटर। तो 2 टमाटर इसके अंदर डाल दें और इसको आंच तेज करके एक बार फिर से चला दें। और टमाटर डालने के बाद इसमें डालेंगे हम नमक। नमक डालने स्वाद अनुसार, इसमें करीब 1.5 चम्मच नमक पड़ जाएगा।
अब इसको एक मिनट और पकाएं टमाटर डालने के बाद, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। वैसे नमक डालने से टमाटर काफी जल्दी गलता है। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम गोभी। तो एक मिनट हो चुका है, हमारा टमाटर भी गल गया है। तो अब इसमें हम ऐड करते हैं गोभी। थोड़े बड़े टुकड़ों में गोभी को काटें, एकदम छोटे में नहीं काटना है, क्योंकि ये कोरमा है, ग्रेवी वाली डिश है, अदरवाइज मैश हो जाती है गोभी। थोड़े बड़े टुकड़े रखें ताकि नजर आए। तकरीबन 300 ग्राम गोभी इसके अंदर, और इसको अच्छी तरह से चला लें ताकि सारे मसाले गोभी में भून जाए। और इस गोभी को भूनना है हमें कम से कम 2 मिनट के लिए, इसको भून लें। तो तेज आंच पर गोभी को भूनने में अभी 1 मिनट और भूने। हमारी गोभी 2 मिनट तक हमने भून ली, अच्छी तरह से भून ली है, पूरे मसाले उसमें लपेट गए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, तकरीबन 1 चम्मच कसूरी मेथी आप इसमें क्रश करके डालें। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है गोभी के साथ, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और इसको चला लें। कसूरी मेथी भी हमने इसमें डाल दी है, और कसूरी मेथी का फ्लेवर भी गोभी में आ गया होगा। अब इसको हमें ग्रेवी करना है। इसमें डालें पानी थोड़ा सा, और इसको चला लें। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, इसको सेमी थिक ग्रेवी रहेगी इसकी। ये हमने इसमें ग्रेवी कर दी है, सेमी थिक ग्रेवी हमारी है। अब कुकर को बंद कर दें और 1 सीटी लगा दें, और 1 सीटी आते ही आपका गोभी कोरमा तैयार है। तो ये कुकर का ढक्कन किया बंद, और 1 विसल का करें इंतजार, और सर्व करें गोभी कोरमा, बहुत टेस्टी लगेगा आपको। तो चलिए, अब हमारा कुकर भी ठंडा हो गया है, तो देखते हैं हमारा कोरमा कैसा बना है। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और ये कोरमा हमारा पूरी तरह से तैयार है। चलिए इसको सर्व करते हैं और गार्निश करेंगे हरी धनिया के साथ। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। और अब इसको गार्निश करेंगे हरी धनिया के साथ। अच्छी क्वांटिटी में हरी धनिया डालें।